हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आपका रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल की नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि उनके पास आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आ सके। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है HSSC ग्रुप डी वेटिंग, उसे ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन या सर्च कर सकते हैं HSSC ग्रुप डी वेटिंग क्रांति का, उसमें सिंबल मिलेगा आपको, या लिंक भी दे दूंगा आपको कमेंट में। ठीक है बच्चों, तो मुझे कुछ बात करनी है बच्चों के बारे में। ये जो बच्चे हैं कुछ कॉन्ट्रोवर्सी ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, तो बच्चों काम पर ध्यान दो। ठीक है, कल भी इन्होंने कुछ कॉन्ट्रोवर्सी कर दी। ठीक है, मैं कहना किसी के बारे में चाह रहा था, कह किस दिया। मेरे पास रोज बच्चे मैसेज करते हैं, सर आप स्कैनर डाल दो, सर आप ये कर दो, हम बस लेके जाएंगे। मैं उस रिलेटेड बोल रहा था, मुझे किसी के बारे में बोलने नहीं, डांडा के चिपका दिया कि ये तो तेरे को बोल रहा है। अरे हम दोनों तो साथ ही हैं, वो डांडा भी चाह रहा, तो जिसने सबसे पहले कोई, मैं अगर पंचकूला जा पाया था उसी के कारण जा पाया था, उसी ने प्लान बनाया था, तभी मैं गया था बच्चों के लिए, तभी बच्चों ने इतना सारा प्यार दिया, इन्फॉर्मेशन दी, चिपका दिया उसके साथ कि वो आपको कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा था कोई भी नेता आपको ठग ले, कोई भी ऐसे पैसे मांग ले, तेरा पेपर क्लियर करा दूं। तो चेयरमैन ने भी कहा हिम्मत सिंह ने एक बार, ये कर दो, पैसे दे दो मेरे को, ये कर दो, रहा पागल की तरह दे दो, तो गलत है वो। तो अगला जेन्युइन है, वो तो तुम्हारे लिए पहली बार पंचकुला भी गया था पैसे भूख के अपने खुद के, उसके लिए थोड़ा कुछ कहा है मैंने। ठीक है, और दूसरी चीज, ये कहां तक कौन सी चीजें सही है, कौन सी सही है, इसे देख लेते हैं पहले, क्या चीज सही है क्या नहीं। ऐसे पैसे देना, मैंने कहा था सही लोग कोई काम सही कर रहे हैं तो वहां देना भी बनता है। मान लो आपके साथ कभी जिंदगी में ठगी होगी और आप इस ठगी के कारण किसी सही जगह पे भी पैसे नहीं इन्वेस्ट नहीं करते, तो आप फिर बेवकूफ हो। तो मैंने तो ये भी कहा था कि सही भी हो सकता है सारी चीजें, तो किसी के बारे में नहीं, हम दोनों तो वैसे ही इकट्ठे काम कर रहे हैं दोनों, चाहे डांडा है चाहे मैं हूं। ठीक है, चलो वो अपने लेवल पे कर रहा है, मैं अपने लेवल पे। अब मेन मुद्दा है कि बच्चे 12 तारीख को जाएं कैसे। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं बच्चों, क्या कहते हैं सुनो, पहली बात, चंडीगढ़ में अब आपको पता है विधानसभा का सेशन होने वाला है 13 तारीख से असेंबली का सेशन बैठेगा विधानसभा का, सारे MLA उसमें बैठेंगे। तो अपने आसपास जितने आपके MLA हैं सबको ज्ञापन सौंप दो, 10-10 बार एप्लीकेशन दे आओ इन 2-3 दिन में, जब तक आप चंडीगढ़ नहीं जा रहे मंगलवार को, तब तक सारे बार बार एप्लीकेशन दे आओ, कोई ना कोई तो उठाएगा, जो उनसा मर्जी MLA मिले, कांग्रेस मिले, BJP मिले, सबको दे दो, कोई तो मुद्दा उठाएगा खाली टाइम में वहां पे। हाँ भाई, ये क्या है बच्चों के साथ ऐसे नाइंसाफी होगी, आपने पहले ग्रुप सी की भर्ती करनी थी क्लियर और आपने क्या कर दिया, उन बेचारों को ग्रुप सी की दी नहीं, कोर्ट में अटका दिया, और वो सोचे कोई नौकरी तो लें, तो वो ग्रुप डी में भी बैठ के और कट ऑफ इतनी बढ़ा दी। अगर ग्रुप सी की आप एक साल पहले निकाल के क्लियर कर देते तो वो ग्रुप डी में तो ना बैठते वो बच्चे और अपना नौकरी लेके साइड होते, उन्होंने ग्रुप डी का भी पेपर दे दिया और कट ऑफ बढ़ा दी और दोनों तरह से सैलरी ले ली उन्होंने, कभी सी की भी ले ली, ठीक है डी की भी ले ली पहले और अब सी की भी ले ली, और डी वाले मारे गए, कहीं से भी नहीं मिला उनको कुछ, और कट ऑफ 70 पहुंची हुई है, ठीक है उन्हीं के कारण, तो अब 76 पे पहुंच जाए। कोई मर्जी जेन्युइन तरीका लगाओ और जितनी वैकेंसी खाली हुई है इन्हें सर भरवा दो, प्लीज भरवा दो इनको, ये ऐसे उन्हें करो गुजारिश, ठीक है। और इस बार ऐसा करना कि सी का कैंडिडेट उसमें ना हो, कोई मर्जी फिल्टर लगाओ, चाहे यस नो पोर्टल से, चाहे फिल्टर लगाओ कोई, वो रिपीट ना हो बच्चे और कट ऑफ नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये अपने MLA के जाके ज्ञापन सौंपो, बार बार एक बच्चा, ये नहीं है 10 बच्चे इकट्ठे हो गए, मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रुप तो बना रखे हैं, वहां प्लान बना लो आज इस MLA पे चलेंगे 10, तो MLA भी तब सुनता है जब 10-20 इकट्ठे जाए, तो ग्रुप बना लो इन 2-3 दिन में, जब तक ट्यूसडे का वहां नहीं बनता चंडीगढ़, MLA पे जाए वो सारे ग्रुप वाइज, कह दो यहाँ मिलते हैं, यहाँ इसकी कोठी है, यहाँ चलते हैं, यहाँ आ रहा है ये चलते हैं, ठीक है। और सारे बच्चे अलग अलग एप्लीकेशन दे दो, देना चाहते हो तो एक मांगे तो एक पे साइन करके दे देना, अगर वो कहे इतनी सारी मत दो सेम है तो, ठीक है। पर करो ये काम अलग अलग जाके, कभी कोई चले जाओ कभी कोई चले जाओ, 2-3 दिन ये काम कर लो, घर बैठे कुछ नहीं मिलता मेरे को, मैं इतना बिजी हूँ तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सुबह 9 बजे से मेरी क्लास होती है, मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, इतने फ़ोन आते हैं बच्चों के, सर ऐसे है वैसे है, ये जाऊं कैसे जाऊं, 4 बजे तक लगातार क्लास है मेरी, ठीक है लगातार, आप सोच भी नहीं सकते हिसार में। आप भी आ सकते हो, तैयारी करनी है तो आपकी CET की अब नेक्स्ट की, ठीक है। हिसार में आना चाहते हो तो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो फ़ोन कर लेना मुझे, ठीक है, या व्हाट्सएप करा करो, फ़ोन ना करा करो, एक तो मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता बच्चों आपका, व्हाट्सएप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, आपको कोई ऑफलाइन क्लास लेनी है ऑनलाइन लेनी है जैसे भी, हिसार में आके अच्छे से पूरा ध्यान PG दिलवा के सारी चीज़ों की तैयारी, बहुत बच्चे आ रहे हैं CET की प्रिपरेशन करने, ठीक है, बहुत बिजी हूँ फिर भी टाइम निकाल रहा हूँ आपके लिए। चलो जो भी है, अब बात सुनो इस सारी कॉन्ट्रोवर्सी के बंद करके काम पे ध्यान दे लेते हैं। हाँ जी, तो कैसे करा जाए, एक जगह पैसे इकट्ठा करा जाए या अपनी तरफ से जैसा जाना चाहो, जो
डांडा एच है वो भी यही मकसद है उसका, वेटिंग क्लियर हो, मेरा मकसद भी यही है वेटिंग क्लियर हो, तो जैसे मर्जी करो। जैसे वो कल कह रहे थे, मैंने कहा था यहाँ बस सारी जगह तो जाएगी नहीं, तो पंचकूला कब पहुंचेगी? मान लो आपने जींद में बस करी कोई, वो रोहतक के बच्चों को उठाएगी, सिरसा के उठाएगी, किस किस को उठाएगी? तो उन्होंने कहा था 152 डी हाईवे है, वहां पे सारे आ जाएंगे, हाईवे पे आ जाएंगे सारे बच्चे। ये प्लान उनको अगर सही लगता है तो वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाकी मेरे तो समझ से बाहर है ये हाईवे पे बच्चे आएंगे कैसे आएंगे। ये बच्चे लोकेशन पे नहीं पहुंच सकते खुल्लर की, 152 डी इतना बड़ा हाईवे है, सिरसा में तो ये हाईवे ही नहीं है। सिरसा का बच्चा जाना चाहता हो तो कब किस टोल पे ये बस रुकेगी? और कोई बच्चा कहेगा आपको मैं आ रहा हूँ, इनको फोन करते फिरोगे यहाँ पे आ गई, भाई आ जा तू घर से बैग उठा के, उसके घर से कुछ तो दूर होगा, वेट करती रहेगी बस, ना आया तो चलेगी कब? तो ये इस तरह से बस खाली जाने वाली है, तो इसमें दिक्कत सी आ सकती है। पर अगर आप एग्जीक्यूट कर सको, बच्चों को फोन कर सको बार बार, यहाँ पहुंच गई, अभी स्टॉल पे पहुंच गई, आ जा तेरे पास पहुंच गई, हर एक का नंबर ले लेके, तो भाई आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कौन आए नहीं पता, किसने पैसे दिए दिक्कत है, ठीक है। पर करना चाहो आप एग्जीक्यूट करो, सारे अपने अपनी तरफ से काम करते रहो। मैंने भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, एक ग्रुप के 40 बंदे जिस दिन जाना है अपने बस स्टैंड पे खड़े हो जाओ, एक दूसरे को पैसे दे के पहुंचा दो। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो जो अपनी तरफ से जाना चाहता है, पैसे कोई कहेगा मैं पैसे दे दूंगा तो मैं खुद ही नहीं जाऊँगा, मैं भी तो जाऊँगा, मैं भी तो देखूँ। आप जैसे मर्जी जाओ, खुद लीडर बनो, ना मेरे को लीडर बनाओ ना किसी और को लीडर बनाओ। जब तक औरों को लीडर बनाते रहोगे आप घर से नहीं निकलोगे, मैंने देख लिया। मेरे भरोसे रह जाओगे, उस वो कोई इन्फॉर्मेशन देगा तो जाऊंगा, वो कुछ बोलेगा तो जाऊंगा। मेरा आज से कोई प्लान बताने का मन नहीं है, मैं बस अपडेट दे सकता हूँ आपको वहाँ क्या होगा, वहाँ कैसे होगा, किससे मिलना है, ठीक है, बस इतना। तो खुल्लर जी से मिलना है, आपको पता है पहले भी हमने एक वॉलपेपर शेयर किया था यहाँ पे, ठीक है, उनका हाउस कहाँ पे है और CMG का हाउस कहाँ पे है। नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है नीचे कमेंट में, वहाँ चलो मैं पोस्टर शेयर कर दूँगा, वहाँ आपको एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो। तो आप ये कर सकते हो, पहले खुल्लर जी के पास 8 बजे तक पहुंचना है आपको, पहले बता रहा हूँ मैं, मंगलवार को चाहे शाम को चलो मंडे को, चाहे सुबह चलो मंगलवार को, 8 बजे तक पहुंचना है। और वहाँ आपको पंचकुला में लोकल टीम मिल जाएगी, एक लड़का मिल जाएगा जो आपको हमेशा वहाँ पे खड़ा मिलेगा, तैयार मिलेगा हमेशा, जब भी कोई जाता है 5 करके जाओ, 10 करके जाओ, जैसे मर्जी जाओ, पूरा का पूरा किराया फूक के आप जाओ, 5 जने चलाओ जाओ, इस बार आप चलेंगे तो कोई और चला जाए, पर जाओ जरूर। मुझे पता है एक जना जो किराया फूक गया उसे मुश्किल होती है जाने, पर वो जाना चाहे तो चला जाए। कोई बच्चा है जिस पे किराया नहीं है, वो वहाँ मदद मांग ले वहाँ पे, उन पंचकुला की लोकल टीम कह रही है मदद कर देंगे थोड़े बहुत पैसों की, ठीक है। बट जाओ, कैसे मर्जी जाओ, व्हीकल करके जाओ, जो एक बार भी नहीं गया वो तो जाओ, कम से कम दिखा के तो आओ, उनको भी तो नए नए चेहरे दिखें, बार बार वही रिपीट चेहरे दिखेंगे, वो भी कहेंगे यही आ जाते हैं बार बार, कोई नए चेहरे दिखाओ उन्हें दिखेगा प्रॉब्लम है। जो चले गए हैं इतनी बार, पहले 20-25 हम गए, फिर 35 गए, इस बार कोई और चले जाओ, जाना पड़ेगा, मैं सीधा बता रहा हूँ। तो आप मेरे को जब वहाँ पहुँच जाओ व्हाट्सएप कर सकते हो, सर पंचकुला का वो जो लड़का है कहाँ, उसका नंबर दे दो, हम उससे मिल लेते हैं, तो वो आपको मिल लेगा वहीं खुल्लर हाउस के आगे बैठा होगा, वहाँ मिल लेगा, ठीक है। पंचकुला के लोकल हैं जो ये एक दो लड़के, मैं नंबर तभी दूंगा आपको जब आप मेरे को कहोगे कि हम चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं, सर यस सर पहुंच चुके हैं, कहाँ है वो लड़का, मैं नंबर भेज दूंगा आपको, उससे कॉन्टैक्ट कर लेना, वो आपको बता देगा ऐसे चलते हैं वैसे चलते हैं। नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, पुराने तो अब हो गए होंगे जागरूक, किससे मिलना है किससे नहीं, ठीक है। तो जो पंचकुला की लोकल टीम है, अगर कोई बच्चा चंडीगढ़ जाता है 12 तारीख को तो वो मेरे को मैसेज कर दे पहुँच के, वहाँ पे पहुँच के या रस्ते में ही कर दे, सर मैं जा रहा हूँ, देख लो आपके आगे हूँ जा रहा हूँ, वो लड़का कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा खुल्लर हाउस के आगे सुबह 8 बजे, ठीक है, चंडीगढ़ में जो कि हाउस है सेक्टर 7 में है, जैसे भी आप जाना चाहो आप उनका एड्रेस सर्च करो, 8 बजे तक मिलते हैं, पहुँच जाओ 8 बजे तक, फिर CM हाउस चले जाओ, ठीक है। तो ये काम आप कर लोगे ट्यूसडे को, और MLA वाला काम इन 2-3 दिन में करते रहो। मंडे को वो कोई टीम है मिलेगी HRD से, वहीं की लोकल टीम, उसके बाद इसलिए कह रहा था मैं ट्यूसडे को जाओ, वहाँ से कुछ डाटा आएगा इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको बताऊंगा मंडे को, फिर ट्यूसडे को आप चले जाना। पर ये MLA वाला काम कर लो, 13 तारीख को असेंबली का सेशन है विधानसभा का, विंटर ये बैठेंगे सारे, मुद्दा उठेगा आपका विधानसभा में कि ऐसे ऐसे नाइंसाफी हुई है हमारे साथ, कहीं तो जा रहे हैं आप भी जाओ, ठीक है। हिसार में गंगवा है, कैबिनेट मिनिस्टर है, हिसार के इतना बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो डेली मिलता है वहाँ पे सुबह सुबह 7-8 बजे, मिलो उससे जाके एक बार, मिल आओ जो भी बच्चा है, 7-8 बजे पक्का मिलता है वो। चलिए, तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, कंट्रोवर्सी से बाहर आओ, हम साथ हैं सारे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने बस इतनी बात करी थी कि आपको उस प्लान के तहत दिक्कत हो सकती है, कैसे बस इधर से उधर जाएगी, पैसे खाना उसको पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, स्कैनर गैंग पागल की तरह, अरे पहली बार वो गया था तुमने किराया दिया था उसको, फर्स्ट बार गया था जो स्कैनर गैंग ये गैंग, ठीक है। मैंने जनरली उन सब के लिए बोला, मेरे पास भी कही आते स्कैनर डाल दो बस ले जाएंगे, पैसे डाल दो, सर मैं एक स्कैनर डाल देता हूँ मेरे पे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे पास कई मैसेज आए सर मैं इस ग्रुप का वो बन जाऊँ, स्कैनर डाल दूँ मुझे दे दोगे पैसे मेरे डलवा दोगे, अरे भाई मैंने उन सब के लिए खबरदार किया था आपको,
ये नहीं उसके लिए बोल दिया स्पेशल, वो तो काम कर रहा है शुरू से ही, ठीक है। तो तरीका यही है, ये कोई वकीलों को तो फीस देनी नहीं है लाखों रुपए जो हम एक के बाद जमा कराएं या कैसे भी, ऐसा तो कुछ है नहीं वकीलों को फीस देनी या कुछ। किराया है नौकरी 25-28 हज़ार की, 1000 रुपये नहीं लगा सकते एक बार भाई, कुछ ने लगा दिए कुछ ने अब लगा दो, 1000 रुपये लगा सकते हैं, अब क्या नौकरी कर लोगे, पेपर देने भी तो जाते हो, तो इसमें क्या, तो पैसे इकट्ठे करें हम क्या ना करें, और कोई 2-3 हज़ार इकट्ठे करके कौन सा राजा बनेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो किसी को फालतू बोलने से अच्छा आप खुद किराया लगाओ और पहुंच जाओ, मैं क्यों नहीं ये फालतू बातों में अड़ता, मैं के 1000-2000 के पीछे सुनने को मिल जाएगी बच्चों से, क्यों मैं पागलों की तरह ये बातें करूँ, अपना खुद जाओ और अपनी बातें रखो और अपना लीडर खुद बनो। बार बार मेरे को मैसेज कर रहे हैं सर ग्रुप में इधर उधर ये हो रहा है, ऐसी बातें हो रही है, लीडरशिप नहीं दिख रही है। अरे मैंने मतलब ठेका ले लिया क्या लीडरशिप दिखाने का, मैं सुबह से लेके काम कर रहा हूँ भाई, मेरा ऑफिस का काम है, फिर आके ऑनलाइन का काम है, मैं तुम्हारे कारण, तुम्हें पता है लाइव क्लास लेनी है मुझे डेली इंग्लिश की, वो नहीं ले पाता, ठीक है। ये रोज मैसेजों के मैटर सोल्व करना है रोज टेलीग्राम पे, वो भी मुझे स्टार्ट करनी है कि बच्चे अगले सीटी के बच्चे रो रहे हैं कि भाई हमारी तैयारी करा दो, ठीक है। तो ठीक है ये समझो लीडरशिप नहीं हो रही, ऐसे बच्चे फालतू बोल रहे हैं, वैसे बच्चे बोल रहे हैं, मेरे पे इतना टाइम है कि व्हाट्सएप पे मैं एक दूसरे को ये भी देखूं कि ये बच्चा गंदा है अच्छा है इसे रिमूव करना है, ये मुझे पता नहीं कहां से आ गया बिटकॉइन भेज रहा है, मुझे क्या पता कोई बिटकॉइन भेज रहा है या कोई कौन सी करेंसी भेज रहा है, मेरे को कैसे पता लगे कौन ऐड हो गया, कौन ऐसी बातें कर रहा है, और लीडरशिप नहीं दिख रही। आप खुद देखो, आप खुद लीडर बनो, समझदार बनो, डेट बता सकते हैं हम तो, अगली डेट चंडीगढ़ की है 12, दो बातें हैं हम सिर्फ, अगली डेट है चंडीगढ़ की 12 तारीख, पहुंच जाओ चुपचाप, ठीक है, पहुंच जाओ 12 तारीख है क्या, सॉरी 12 नहीं ट्यूसडे है, सॉरी ट्यूसडे को पहुंच जाओ, और उससे पहले MLA तक अपने एप्लीकेशन देते रहो 2-3 दिन बार बार जा जाके, ठीक है। तो जो इस बार नहीं गए हैं और जो पहले गए हैं वो फिर जाना चाहते हैं तो जाओ, पंचकुला वाले बिल्कुल तैयार रहते हैं क्योंकि उनके तो पास ही है, वो तो कहते हैं कभी भेजो हम तैयार रहेंगे कूलर हाउस के पास, तो जो नहीं गए हैं वो जाओ, ठीक है। जो गए जा चुके हैं उनका मन है दोबारा जाने का वो भी जाओ, पर अपने लेवल पे जाओ, मेरे से ना प्लान पूछो कैसे जाना है, मैंने तो प्लान बता दिया था, मेरे को तो यही बढ़िया लगा, लोग चंडीगढ़ तक जा रहे हैं तो तुम अपने गांव से बस स्टैंड तक नहीं आ सकते डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ अपने ग्रुप में लिखो 10 बजे इकट्ठा होना है बस स्टैंड पे, 40 इकट्ठे हुए एक दूसरे को पैसे दिए या जैसे मर्जी गए, जो इकट्ठा हुआ 5 गए 10 गए जैसे जाना जाओ तुम्हारे ऊपर है, कोई भी नहीं आया पैसे देने तो तुम खुद निकल जाओ, ठीक है, पर निकलो भाई, वहाँ जाओगे बार बार बात रखोगे तो चीज़ें हल हो जाएंगी, घर पे मत बैठो, तुम्हारे लिए 35 जाते हैं, तुम्हें इतना शर्म आता है, कम से कम 10,000 पोस्टें खाली हैं और वहाँ 35 पहुँचते हैं, इसका मतलब ये बाकी लोग कौन है जो छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं, जो इस बार नहीं गया है उसे छुट्टी लेनी चाहिए, ठीक है, 35 की वेटिंग आनी है जो 35 गए थे पिछली बार, ये क्या हो रहा है। तो जो नहीं गए वो पहुंच जाओ, जैसे मर्जी पहुंचो, किसी का सपोर्ट लेके पहुंचो, डांडा जी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे मैं पहुंचाऊंगा उनके थ्रू पहुंचो, खुद पहुंच सकते हो खुद पहुंचो, पर जैसे मर्जी पहुंचो, कंट्रोवर्सी बंद करो, कई बच्चे हैं एक दूसरे से लड़वा रहे हैं, उनको कुछ नहीं करना। चलो धन्यवाद, यही मुझे कहना था, 2 इन्फॉर्मेशन दे दी, एक MLA वाला काम करना है एक आपको, और मंगलवार को पहुंचना है, जैसे मर्जी पहुंचो, जो नहीं गए वो पहुंचो, कैसे मर्जी, जो तुम्हारा मन करे जिस तरह, मेरे से प्लानिंग नहीं, मेरे से अपडेट ले लिया करो वहां क्या काम हुआ, जो नहीं गए मैं ये बता सकता हूँ वहाँ ये बात हुई, अब ये करना है बस, ठीक है। प्लानिंग खुद पहुँचाए करो अपना जाने वाने की, और खुद लीडर बन जाओ, और अगर लीडर बनाते रहोगे तो निकल ही नहीं पाओगे घर से, मैं काम करूँ या वहाँ पे लीडरशिप करूँ यार, अब बताओ तुम खुद। मैं अपने लेवल पे जाता हूँ जहाँ जाने, कभी मीडिया में दे आता हूँ बाइट, कभी क्या कहते हैं MLA से मिलाता हूँ, खुद भी कुछ कर लो यार, तुम्हें भी पता ही है कैसे होएगा काम, अब मेन तुम्हारे 2 ही काम है, चंडीगढ़ पहुँचना 12 को, ठीक है, ट्यूसडे को चंडीगढ़ पहुंच जाओ। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहाँ पहुंचना है चंडीगढ़ में, सीधा खुल्लर हाउस के पास पहुंचना है सुबह 8 बजे, वहाँ टीम मिल जाएगी, बहुत बच्चे मिल जाएंगे क्योंकि सब जा रहे होंगे, 8 बजे मिल जाएंगे, आप वहाँ से फिर प्लान बना के कहीं और चले जाना CM वगैरह के पास, और पंचकूला मेरे को कह दो कि मैं पहुंच गया चंडीगढ़ तो मैं उस लोकल पंचकूला वाले का नंबर भेज दूंगा, आप उससे बात करो, वो आपको अच्छे से जहाँ मर्जी ले जाएगा। CM के पास चले जाना खुल्लर हाउस के बाद, फिर आते हुए HSSC के पास चले जाना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।